हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। आज तारीख 30 जुलाई है, सुबह के 9 बजे हैं और आज हमें आने में काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि जो भीड़ था आज हाईवे में आने का भी जाम देखने को मिल रहा था क्योंकि डाक कार्ड वालों की जो संख्या है। अभी हम हाईवे का भी दृश्य दिखाएंगे, मार्केट का भी दृश्य दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरी घाटों का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ये जो भीड़ है 2 तारीख तक लगातार हर एक दिन अपने अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं। आज रिकॉर्ड ब्रेक होगा, कल रिकॉर्ड फिर से ब्रेक होगा, आज का परसों फिर होगा क्योंकि 1 तारीख को जो रिकॉर्ड बनेगा वो अलग ही रिकॉर्ड बनने वाला है और 4 तारीख को भीड़ भी होने वाली है। होटल धर्मशाला का नंबर हम आपको दे देंगे, कौन सा पार्किंग बेस्ट है ये भी हम आपको बताएंगे क्योंकि पार्किंगों का दशा दिशा है वो भी खराब हो चुका है क्योंकि जो बाइक की पार्किंग है, जो कार की पार्किंग है, इसके लिए भी दिक्कतें अभी हो रही है। चलते हैं हरकी पैड़ी के साथ साथ पूरे घाटों को दृश्य दिखाएंगे और आपको स्टे करने के लिए हरकी पैड़ी के पास सही रहेगा रुकना या फिर कहीं और रुके वो कौन सा जगह है जो हम आपको बताने वाले हैं। चलते हैं हरकी पैड़ी का दृश्य पहले दिखाते हैं, फिर दूसरे घाटों को दृश्य दिखाएंगे। आप सबसे प्यारी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक बिल्कुल करना ना भूलें और शेयर जरूर करें ताकि और भी जो हरिद्वार आना चाह रहे श्रद्धालु, 4 तारीख को एक बड़ा स्नान है उसमें अधिकतर श्रद्धालु आना चाहते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे हरिद्वार ऋषिकेश का। ऋषिकेश तक तो आप पहुँच सकते हैं बाय ट्रेन, आने में किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख को भी आप बाय ट्रेन आइए। गंगा जी की धारा आप देख रहे हैं काफ़ी तेज है, मटमैली है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर पहाड़ों में बारिश हुआ है जिसकी वजह से इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। और आज देख रहे हैं सुबह ही काफ़ी तेज जलने वाली धूप का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी तेज धूप है। देख रहे हैं इधर से भोले जाते हैं जल लेके, आज आपको डाक कावड़ वाले ही नजर आएंगे, नॉर्मल कावड़ या फिर क्लस कावड़ काफ़ी कम नजर आएंगे। देख रहे हैं छाता खुल चुका है, इतनी भयानक वाली गर्मी लग रहा है सुबह और यहाँ से हर की पेड़ी तो जल आ रही है तो आप देख रहे हैं कितनी तेज जल की धारा है, अच्छी खासी जल की धारा तेज है यहाँ पे। अभी हम चल रहे हैं हर की पेड़ी की ओर, यहाँ से जो आप जाएंगे हर की पेड़ी चले जाएंगे और यहाँ से मनसा देवी के सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे जाने के, आपको ऐसे तो मेन जो मार्ग है वो बंद मिलेगा लेकिन 2 प्रमुख मार्ग है जो पैदल है और रोपवे का, उधर से आप जा सकते हैं। दोनों ही मार्ग आपको रोपवे के पास से मिल जाएगा। जब भीड़ ज़्यादा होता है तो वाले मार्ग बंद कर दिया जाता है जो कि सही थोड़ा सा ख़राब है वो मार्ग, जिसकी वजह से भगदड़ या फिर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से चोट वोट लग जाती है। ये हम प्रमुख घाट हर की पैड़ी में पहुँच चुके हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है आज, लगातार संख्या बढ़ते नजर आएगा। सुबह जो भीड़ है वो थोड़ा कम रहता है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जाता है। देख रहे हैं लोगों की भारी संख्या घाटों में प्रवेश अभी कर रही है, देख रहे हैं अच्छी खासी तेज भीड़ भी है, तेज धूप भी है, जल की धारा भी तेज है। घाट का दृश्य आपको दिखाते हैं, प्रमुख घाट का, ये प्रमुख घाट हर की पैड़ी है जहाँ पे लोगों की संख्या देख रहे हैं। स्नान करने के लिए जगह नहीं, इतनी पूरी भीड़ है लोगों की, काफ़ी अच्छी खासी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। अभी सुबह के टाइम देख रहे हैं, पहले हम ऊपर जाते हैं ब्रिज में, ब्रिज से फिर आपको दृश्य दिखाएंगे। अभी आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो सुबह जल्दी से आ जाइएगा तो आपको थोड़ा सा भीड़ से राहत मिलेगा क्योंकि जो डाकड़ वालों की संख्या है वो आपको बिना सलेंसर वाली बाइक के साथ नज़र आएंगे। पूरे घाटों में आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, ये नई घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। धूप काफ़ी तेज है, भीड़ भी ज़्यादा है और ये भीड़ और बढ़ेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होगी। थोड़ा धर्मशाला की बुकिंग करके आए, अगर मनसा देवी जा रहे हैं सुबह आप यात्रा स्टार्ट कर दें सबसे अच्छा होगा। देख रहे हैं चारों किनारे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आ रहे होंगे, बोलों की संख्या हालांकि जो जाम है वो हम बताएं पिछले बार तुलना में इस बार कम जाम लग रहा है क्योंकि पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त है। देख रहे हैं ये अभी दृश्य देख रहे हैं प्रमुख घाट का, ये प्रमुख घाट हर की पैड़ी है, देख रहे हैं लोगों की संख्या धीरे धीरे हर की पैड़ी में प्रवेश कर रहा है। गया जल पे लोग यहाँ पे जाके खड़े हो चुके हैं,
जो गहराई है वो आप देख रहे हैं, अच्छी खासी गहराई है और कुछ लोग यहाँ पे बह भी जाते हैं। दो लोग खड़े हैं यहाँ पे, वहाँ पे रेत का टीला है जिसकी वजह से वहाँ पे आसानी से खड़ा हो सकते हैं लोग। ये देख रहे हैं मार्केट का दृश्य, मार्केट में चलना भी मुश्किल है, इतने भयानक वाले दृश्य है। ये लोग अभी हरिद्वार हर की पैड़ी घाट की ओर आ रहे हैं और जितने संख्या में लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा संख्या यहाँ से निकल चुकी है स्नान करके, क्योंकि अभी घूमने में इस तरह का इनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि भाई ऐसा खुले में चप्पल रखेंगे तो दिक्कत है। इधर हर की पैड़ी अब जा सकते हैं ब्रह्मकुंड की ओर, देख रहे हैं पसीना से लोग लथपथ है, इतनी तेज धूप हो रहा है। अभी इधर से जाएंगे मोती बाजार की ओर और इधर से जाएंगे मनसा देवी की ओर, और भीड़ इधर ज़्यादा होता है, इधर ही भीड़ जगह। इधर होटल धर्मशाला के लिए रूम आपको मिल जाएगा, नंबर हम दे देंगे। कुछ यहीं पे है, कुछ थोड़ा दूर है, कुछ भीमगोड़ा की ओर है, भीमगोड़ा इधर है, भीमगोड़ा इस कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि भीमगोड़ा में आपको पार्किंग का सुविधा भी मिल जाएगा और भीड़ भी वहाँ पे कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग केवल रुकने वाले होते हैं, लेकिन इस मार्ग में रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से आने वाले लोग होते हैं, मनसा देवी की ओर जाने वाले लोग होते हैं, इतना 2 से 3 गुना भीड़ इस तरफ बढ़ जाता है, जो कि भीमगोड़ा की ओर 2 से 3 गुना भीड़ कम रहता है। ऑटो की सुविधा आशुतोष सहाय तरफ बंद है, आपको इधर से आएंगे तो मात्र 300-400 मीटर चलना पड़ेगा, जहाँ पे भीम जी की मूर्ति है वहाँ से आपको चलना पड़ेगा। देख रहे ये दूसरा प्रवेश द्वार है हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड की ओर जाने का। कांवड़ सजाने की सामान बस घाट के ऊपर ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। आप बस यहीं पे पहुंचेंगे, यहाँ से इस तरह प्रवेश करेंगे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड की ओर। देख रहे भीड़ इधर भी आज अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि भाई आप बिल्कुल चरण सीमा में है यात्रा कांवड़ की, महाशिवरात्रि बस 3 दिन बचा हुआ है, यानी 2 तारीख को महाशिवरात्रि है। भीड़ भाई रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जगह जगह पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उसके बाद भी इस तरह का भीड़ देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कांवड़ इधर से उठा के लेके जा रहे हैं। देख रहे हैं इस किनारे में थोड़ा भीड़ कम नजर आ रहा होगा, इस किनारे में भीड़ ज्यादा है। देख रहे हैं पूरे घाट, पूरे हाईवे पूरा जाम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं घाटों का दशा दिशा, पूरी घाट हाउस फुल, इस किनारे ज्यादा फुल होगा क्योंकि इस किनारे नॉर्मल श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, और कुछ भोले भी चले गए हैं डाकड़ वाले तो चप्पल पहन के नहीं आते, तो इधर चप्पल जो था बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, तो इधर आप डाकड़ वाले जाते तो इधर भी आप आज आपको भीड़ नजर आ रहा होगा। देख रहे हैं पूरे घाट हाउस फुल हो रखे हैं, पर देख रहे हैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।